गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द समरी ऑफ चैप्टर बर्थ। ओके, सो फॉर क्लास 11 द नेम ऑफ द चैप्टर इज बर्थ एंड योर राइटर इज एजे क्रॉनिन। एजे क्रॉनिन वॉज अ फिजिशियन एंड अ नॉवलिस्ट। ठीक है, एजे क्रॉनिन वॉज अ फिजिशियन एंड अ नॉवलिस्ट। क्लियर है ये चीज़? अब देखो बेटा, ये जो आपका चैप्टर है ना बर्थ, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें एक बेबी की बर्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये एक्सर्ट है फ्रॉम द सिटाडेल। सिटाडेल क्या थी? एक नॉवल थी। सिटाडेल क्या थी? एक नॉवल। ठीक है, नॉवल एक्सर्ट क्या होता है? एक्सर्ट होता है बेटा किसी भी बड़ी सी बुक का छोटा सा पार्ट ले लेना। तो ये जो आपकी नॉवल का ये जो पार्ट लिया गया है चैप्टर का, ये सिटाडेल में से लिया गया है, जो कि एक नॉवल थी। और ये एक्सर्ट उसे कहते हैं कि बड़ी सी, बहुत बड़ी सी बुक का एक छोटा सा पार्ट लेना। क्लियर है चीज़? तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स कंटिन्यू द समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। मैं आपको चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी, फिर कुछ प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर है एंड्रयू मेंशन, मींस डॉक्टर एंड्रयू मेंशन। ये एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल। ये मेडिकल स्कूल से अभी पास आउट हुए हैं, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन, जो कि मेडिकल स्कूल से अभी पास आउट हुए हैं। और लर्निंग विद डॉक्टर एडवर्ड, डॉक्टर एडवर्ड के साथ लर्न कर रहे हैं कि हाउ टू डू ऑपरेशंस, हाउ टू कंटिन्यू हिज डॉक्टरिज्म एंड ऑल दैट। ओके, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, मेडिकल स्कूल से पास आउट हुए हैं और लर्निंग पर हैं विद डॉक्टर एडवर्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है हमारा जो मॉर्गन। जो मॉर्गन जो है एक अलग कैरेक्टर है बेटा। जो मॉर्गन है, उनकी जो वाइफ है, उनको बेबी होने वाला है। जो मॉर्गन और सुजैन मॉर्गन, मॉर्गन्स मदर, ये चार मेन कैरेक्टर हैं। इसमें एक दो ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं बेटा जिसमें उनका बहुत कम मतलब यूज़ हुआ है, जैसे कि एंड्रयू मेंशन की गर्लफ्रेंड है क्रिस्टाइन, उसकी बात हुई है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें क्रिस्टाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेम मिडवाइफ की बात हुई है, तो मिडवाइफ का भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोबारा से एक बार देखते हैं, एंड्रयू मेंशन डॉक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो मॉर्गन है, उनके घर में और उनकी वाइफ सुजैन मॉर्गन के घर में 20 ईयर्स बाद बेबी होने वाला है। 20 साल बाद उनको बेबी होने वाला है। अब मॉर्गन की जो मदर है, ठीक है, किसी किसी बुक में बेटा वो मॉर्गन की मदर बताया हुआ है, जैसे किसी में यूँ कह देते हैं कि नानी है, लेकिन किसी में कह देते हैं दादी है। तो नो नीड टू बी कन्फ्यूज, आप मॉर्गन्स मदर बोल सकते हैं। मॉर्गन तो दोनों मॉर्गन हो गए ना, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो जो मॉर्गन है या जो सुजैन मॉर्गन है, उनके घर में 20 ईयर्स के बाद बेबी होने वाला है। 20 साल से उनको कोई बच्चा हुआ नहीं था। मॉर्गन्स मदर जो है, शी इज 70 ईयर्स ओल्ड, शी वॉन्ट्स टू हैव दैट बेबी एंड शी इज सो एक्साइटेड। वो चाहती हैं कि उनके घर में उनकी डेथ से पहले उनको एक मतलब उनके ऑब्वियसली बात है, सभी चाहते हैं कि मतलब इस एज में अगर कोई आ जाएगा तो कोई भी ओल्ड एज पर्सन चाहेगा कि उनका जो वंश है वो आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। अब एक कैरेक्टर है हमारा मिडवाइफ। मिडवाइफ का कोई खास रोल नहीं है, मिडवाइफ का मेन रोल यही है बेटा कि जो मिडवाइफ है वो जैसे पहले के टाइम में दाई होती थी ना, दाई, वो बेबी के होने में जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू मेंशन की हेल्प करती है। दैट्स इट, मिडवाइफ का इतना ही रोल है। क्रिस्टाइन, अब स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी क्रिस्टाइन से। ठीक है, जो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन है वो थोड़े से अपसेट है। क्यों? क्योंकि उनकी ना उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन से लड़ाई हो जाती है, उनका झगड़ा हो जाता है, और वो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि वेदर ही शुड प्लान फॉर फ्यूचर विद हिज गर्लफ्रेंड और नॉट, कि उनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्यूचर प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वो अपसेट हैं। डॉक्टर एडवर्ड के साथ उनका झगड़ा हो जाता है उसी सेम डे में क्रिस्टाइन से झगड़ा हो जाता है, सेम डे में डॉक्टर एडवर्ड से उनका जो है झगड़ा हो जाता है, और उसके बाद ही इज क्वाइट अपसेट। कुछ प्लेसेस के नाम बताऊंगी बेटा आपको मैं। वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेंडली, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने अपनी स्टडी पास आउट की है। ये वो जगह है, वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेंडली। आप जब चैप्टर थोरोली रीड आउट करोगे तो ये नाम आपको मिलेगा, आप इसको ब्लेंडली के नाम से याद रख सकते हैं। ब्लेंडली से डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है। उसके बाद बेटा उसके बाद है ब्रेंजोवर एंड्रयूज हाउस, और जो डॉक्टर एंड्रयू हैं
वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेंडली से अपनी स्टडी कंप्लीट करके कहाँ आए हैं? ब्रेंजोवर। ये ब्रेंजोवर क्या है बेटा? ये है एंड्रयू का घर। ब्लेंडली से स्टडी कंप्लीट करके ब्रेंजोवर में आए हैं डॉक्टर एंड्रयू मेंशन। अब एक एड्रेस आपको मिलेगा, नंबर 12 ब्लेना टेरेस जोज हाउस, लिखा है मैंने ब्रैकेट में नंबर 12, नंबर 12 ब्लेना टेरेस जोज हाउस। जो ब्लेना टेरेस है नंबर 12, ये जो के घर का एड्रेस है। जो कौन था बेटा? जो मॉर्गन, जिनके घर में बेबी होने वाला है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है? तो लेट मी टेल यू रफरी रफ समरी ऑफ दिस चैप्टर, फिर मैं आपको थोरोली अच्छे से समझा दूंगी। क्लियर है? तो अब होता क्या है बेटा, जो मॉर्गन है उनके और सुजैन मॉर्गन के घर में 20 ईयर्स बाद बेबी होने वाला है, मतलब कि डिलीवरी का टाइम नज़दीक है। होता क्या है, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का झगड़ा हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन से और साथ में डॉक्टर एडवर्ड से। तो वो अपने घर ब्रेंजोवर की तरफ आ रहे होते हैं क्लिनिक से, ये सोचते हुए कि क्या होगा मेरा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी उससे मैरिज होगी या नहीं होगी। आते हैं तो जो मॉर्गन उनका घर पर ऑलरेडी ही वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर, बिकॉज जो उनकी सुजैन वाइफ, उनकी जो वाइफ है सुजैन मॉर्गन, उनकी डिलीवरी होने वाली है। जैसे ही जो मॉर्गन को डॉक्टर एंड्रयू मेंशन देखते हैं, वो उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं। जो अपनी सारी प्रॉब्लम एंड्रयू को बताते हैं, एंड्रयू कहते हैं जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई लेट मी ब्रिंग माई एवरीथिंग फॉर द ऑपरेट ऑफ सुजैन मॉर्गन। वो सब कुछ अपना सुजैन मॉर्गन के ऑपरेट के लिए लेकर आते हैं, सामान वामान अरेंज करते हैं बेबी की डिलीवरी के लिए। जब वो घर पर जाते हैं तो घर का सीन कैसा है बेटा, घर जो है वो साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा घर है, बट वहाँ पर फर्निश्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फर्नीचर की कमी है, फर्नीचर बहुत कम है वहाँ पर, लेकिन जो घर है वो साफ सुथरा है। वहाँ जाकर जब वो सुजैन मॉर्गन को देखते हैं तो उनको लगता है कि अभी डिलीवरी में टाइम है, वो नीचे जाकर रसोई घर में बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? डॉक्टर एंड्रयू मेंशन। बैठने के बाद मॉर्गन्स मदर जो है वो बार बार एंड्रयू मेंशन के पास आती हैं और देखती हैं उनसे, बार बार पूछती हैं आप चाय लेंगे, पानी लेंगे, आपको कुछ चाहिए। तो एक्चुअली वो क्यों पूछती हैं, क्योंकि जितनी बार भी डॉक्टर्स आते हैं ना सुजैन मॉर्गन को देखने के लिए, वो 1-2 मिनट का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आते हैं। उसके बाद बेटा, उसके बाद एंड्रयू ना मॉर्गन की मदर का डर समझ जाते हैं। वो कहते हैं अम्मा जी आप चिंता मत करो, आई विल स्टे हियर टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, मैं यहीं पर रहूंगा बेबी की डिलीवरी तक, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाकर बैठ जाओ। अब 1-2 बार बीच में वो सुजैन मॉर्गन को चेक करके आते हैं, डिलीवरी जो है जैसे उनको पेन हो रहे होते हैं तो उनको वो मेडिसिन दे देते हैं जैसे कि उनके पेन कुछ वक्त तक क्योर हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद मिडवाइफ जो है, जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो रसोई घर में वेट कर रहे होते हैं नीचे, इतने में मिडवाइफ आती है और मिडवाइफ कहती है कि जो सुजैन मॉर्गन है उसको पेन स्टार्ट हो गए हैं, बेबी की डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर एंड्रयू जाते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद बेबी डिलीवर हो जाता है। यू नो व्हाट दे आर ब्लेस्ड विद, दे ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, बेबी बॉय होता है, बेबी बॉय जो है ना। बट एक प्रॉब्लम है बेटा, नॉवल में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? जो बेबी है, बेबी इज नॉट ब्रीदिंग, बच्चा सांस नहीं ले रहा, बेबी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। बेबी के बारे में बताऊं तो बेबी की जो स्किन है, इट इज़ मतलब लाइट ब्राउन कलर के, उसके हाथ पर बाल है, बहुत बहुत फेयर कलर है बेबी का, बहुत सुंदर बच्चा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बेबी वो बच्चा वो सांस नहीं ले रहा। सुजैन मॉर्गन की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, सुजैन मॉर्गन जो है बेटा उसको भी होश नहीं है, वो होश में नहीं है। अब डॉक्टर जो एंड्रयू है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट शुड ही डू, उन्हें करना क्या चाहिए, कि वो पहले बच्चे को बचाए या फिर वो पहले मदर को बचाए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सुजैन मॉर्गन जो है वो जल्दी क्योर हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो क्योर होने की कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी है बेबी के अकॉर्डिंग। वो पहले सुजैन मॉर्गन को 1-2 इंजेक्शंस लगाते हैं, वो होश में आ जाती है, उनको दवाइयाँ दे देते हैं, वो रेस्ट करती है। उसके बाद वो दौड़ के बच्चे के पास जाते हैं, तब तक मिडवाइफ ने क्या किया होता है, बच्चे को बेड के नीचे खिसका देती है, ये सोच के कि द बेबी इज डेड, द बेबी इज नो मोर, बेड के नीचे उसको रख देती है। मॉर्गन्स मदर वो क्या कर रही है, वो एक रूम में भगवान की मतलब मूर्ति के आगे, भगवान की फोटो के आगे ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है कि जो बेबी है और जो मदर है वो बिल्कुल सही सलामत ठीक से इस दुनिया में आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद मिडवाइफ ने बच्चे को बेड के नीचे खिसका दिया, बेड के नीचे से बच्चे को निकाला, डॉक्टर ने एंड्रयू ने देखा कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है, बच्चा सांस नहीं ले रहा, कुछ कोशिशें की लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब डॉक्टर एंड्रयू
मिडवाइफ से कहती हैं कि एक ठंडे पानी का पतीला लेकर आओ, एक गर्म पानी का बर्तन लेकर आओ, एक यूटेंसिल लेकर आओ जिसमें ठंडा पानी और जिसमें गर्म पानी। पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं, गर्म पानी बहुत गर्म होता है, ठीक है, उस पानी को नॉर्मल करते हैं। बच्चे को उठाते हैं, एक बार ठंडे पानी में, एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में, एक बार गर्म पानी में, ये बार बार वो रिपीट करते हैं, ठीक है। रिपीट करने के बाद वो नोटिस करते हैं कि जो बेबी है ना, बेबी जो है ना, अब वो बहुत ना मतलब स्लिप हो रहा है हाथ से। क्यों? क्योंकि जो बच्चा था वो न्यू बॉर्न था, है ना, उसके बाद वो सॉफ्ट इतना था, सॉफ्ट होने के बाद वो गीला हो गया, तो वो स्लिप हो रहा था हाथ से। अभी भी लास्ट में कुछ नहीं होता, ठंडे पानी गर्म की प्रक्रिया करने के बाद भी बच्चे के साथ अभी कुछ नहीं होता, बच्चे में सांस नहीं आई है। अब जो एंड्रयू मेंशन है वो परेशान हो गए कि वो करे क्या। इनका फर्स्ट केस था ये, ही इज़ फ्रेशर, और उनकी डिलीवरी का ये फर्स्ट केस था। अब वो एक टॉवल मंगवाते हैं, बच्चे को अच्छे से क्लीन करते हैं, बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट बेड पर लिटा देते हैं, अपने दोनों हाथों से पुशअप्स देते हैं उस बच्चे को, और सडनली एक मिरेकल होता है, जो बच्चा है वो जोर जोर से रोने लग जाता है। और जो जो मॉर्गन है उनका क्या रोल है इस चैप्टर में, वो जो नीचे है ना, नीचे स्ट्रीट में गली में, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि वो सुजैन मॉर्गन के पास आकर ये देख सके वो किस कंडीशन में है, वो नहीं देख सकते अपनी वाइफ को इस कंडीशन में। तो वो जो जो मॉर्गन है, सुजैन मॉर्गन के हस्बैंड, नीचे गली में चक्कर लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कब उनके घर में मतलब बेबी की डिलीवरी होगी और कब सब कुछ ठीक होगा, तभी मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा है वो बिल्कुल सांस लेने लग जाता है उनके पुशअप्स के बाद, वो बेबी को क्लीन करते हैं, और जो मदर, मॉर्गन्स मदर, जो मॉर्गन मदर जो है वहाँ पर जो हाथ जोड़कर प्रेयर कर रही हैं बच्चे की डिलीवरी के लिए कि वो बच्चा अच्छे से इस वर्ल्ड में आ जाए, उनके हाथ में जो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन है वो अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं। और अब स्टार्टिंग में हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारा चैप्टर स्टार्ट से हुआ था कि क्रिस्टाइन के बारे में डॉक्टर एंड्रयू मेंशन वरिड थे ना उनके बारे में, चिंता कर रहे थे उनको कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, फ्यूचर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। लेकिन अब नॉवल के एंड में उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने सच में लाइफ में कुछ अटैम्प्ट किया है, कि उन्होंने अपने जीवन में सच में अटैम्प्ट किया है, और जो भी डिलीवरी केस उन्होंने पास आउट किया वो उसमें सक्सेसफुल रहे, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो दैट वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर बेटा, लेट्स रीड इट थोरली नाउ, कम ऑन। सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको कहा था, वी विल डिस्कस द समरी थोरली, सो हियर वी आर गोना डिस्कस द समरी थोरली ऑफ द चैप्टर बर्थ, ओके। Dr. Andrew was a young medical graduate who worked as an assistant to Dr. Edward Page in a small Welsh mining town, Blenley. जो Dr. Andrew थे वो एक young medical graduate थे, उन्होंने just अपनी graduation complete की थी, और वो Dr. Edward के साथ small Welsh mining town में काम कर रहे थे। Dr. Andrew was returning home after a disappointing evening with his girlfriend Christine. जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका झगड़ा हो गया था, और वो उस अपसेटनेस के साथ, उस वरी के साथ वापस घर आ रहे थे। डॉक्टर एंड्रयू फाउंड जो मॉर्गन एंजियस एंड स्केयर्ड वेटिंग फॉर हिम। अब जो डॉक्टर मॉर्गन ने देखा कि जो मॉर्गन को देखा एंड्रयू ने कि वो आए, और उन्होंने ये देखा कि ऑलरेडी जो डॉक्टर जो मॉर्गन है उनका उनके घर पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। जो मॉर्गन इन्फॉर्म्ड हिम दैट द डॉक्टर वॉज नीडेड एट देयर होम एंड हिज वाइफ वॉज इन लेबर बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट, दिस वॉज टू बी देयर फर्स्ट चाइल्ड इन अ मैरिज नियरली 20 ईयर्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मॉर्गन ने डॉक्टर एंड्रयू को बताया कि उनके घर में 20 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम बेबी की डिलीवरी होने वाली है, और जो उनकी वाइफ है एक्सपेक्टेड टाइम से पहले उनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। व्हेन दे रीच द हाउस डॉक्टर एंड्रयू रियलाइज दैट ही वुड हैव टू वेट सम टाइम, सो ही डिसाइडेड टू वेट डाउनस्टेयर्स। अब जब घर पहुंचे डॉक्टर एंड्रयू तो उनको लगा कि कुछ टाइम है डिलीवरी में, सो ही वेटेड ओवर देयर डाउनस्टेयर्स, तो उनको वेट करना पड़ेगा, उन्होंने डाउनस्टेयर्स पर वेट भी किया। Then Dr. Andrew is called upstairs and starts his work. After an hour's struggle, the child, a perfectly formed boy, was born lifeless. एक घंटे के एक आर के स्ट्रगल के बाद एक बेबी बॉय डिलीवर हुआ जो कि लाइफलेस था। Dr. Andrew was horrified but continued his effort first to save the mother whose energy was reducing. सबसे पहले उसने किसको बचाया? Yes, मदर को उन्होंने बचाया क्योंकि उनकी एनर्जी जो थी वो रिड्यूस हो रही थी, फिर उन्होंने बेबी को बचाया। After the mother was safe, his attention went to the child. He instinctively decides to revive the child on the spot. Instinctively means on the spot. What he decided? He decided to save the child. Dr. Andrew quickly diagnoses the most probable cause for the stillbirth.
ठीक है, जो डॉक्टर एंड्रयू थे उन्होंने डायग्नोज किया मोस्ट प्रोबेबल कोज कि जो ज़्यादातर बच्चों में डेथ का रीज़न क्या होता है बेटा, वो होता है एंजिया प्लेडिया जो है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा डेथ का रीज़न होता है, उन्होंने इस चीज़ को जज कर लिया। डॉक्टर एंड्रयू रिकॉल्स अ मेथड ही हैड वंस रीड अबाउट बाय विच सच अ चाइल्ड हैड बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब डॉक्टर एंड्रयू ने क्या मेथड अपनाया, गर्म पानी और ठंडे पानी वाला, क्योंकि एक बार उन्होंने देखा था इस तरह से एक बच्चे को सेव किया गया था। डॉक्टर एंड्रयू ट्राइज अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट टू रिवाइव द चाइल्ड्स ब्रेथ। अब डॉक्टर एंड्रयू ने हॉट और कोल्ड वाटर का ट्रीटमेंट लिया बच्चे की ब्रेथ को रिवाइव करने के लिए। डॉक्टर एंड्रयू देन रब द बेबीज बॉडी विद अ रफ टॉल क्रशिंग द एंड रिलीजिंग द चेस्ट। अब उन्होंने क्या किया, एक रफ टॉल से बेबी की बॉडी को क्लीन किया और उसके चेस्ट को प्रेशराइज किया। मेडिकल मिरेकल हैपन्स, एक मेडिकल मिरेकल होता है, जो द चाइल्ड फाइनली ब्रीथ्स, जो बच्चा है फाइनली सांस लेता है। डॉक्टर एंड्रयू रीडबल्स हिज एफर्ट्स टिल द चाइल्ड क्राइज। जो डॉक्टर एंड्रयू है, जो वो सांस लेने लगता है बच्चा, अपने जो एफर्ट्स है वो डबल कर देते हैं और जो बच्चा है ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाता है। आफ्टर हैंडिंग ओवर द बेबी टू द मिडवाइफ डॉक्टर एंड्रयू लेफ्ट द हाउस। बच्चे को यहाँ पर एक मिस्टेक है बेटा, जो डॉक्टर एंड्रयू है उन्होंने बेबी को उसकी ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड मॉम जो भी है उनको डिलीवर किया था, उनको हैंड ओवर किया था, उसको हैंड ओवर करके वो घर से चले जाते हैं। ही रियलाइज दैट ही हैड ट्रूली सेव्ड अ लाइफ दैट नाइट फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन। फाइनली उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने सच में आज एक बहुत अच्छा काम किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर एंड्रयू फेल्ट दैट ही हैड डन समथिंग रियल समथिंग वर्थ वाइल। लाइफ में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने समथिंग वर्थ वाइल, मतलब जो सच में एक करने के लायक काम है वो किया है और सच्चा काम किया है। और लास्ट में जाते जाते उनके माइंड में जो थॉट्स थे रिलेटेड टू दैट गर्लफ्रेंड एंड नाम था ना उसका क्रिस्टाइन, उससे रिलेटेड एंड डॉक्टर एडवर्ड से जो उनका कन्फ्लिक्ट हुआ था उससे रिलेटेड, वो थॉट्स सारे उनके माइंड से वैनिश हो जाते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द समरी ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।